लिमिट से बाहर गाइस, हर चीज बेकार है। ओ भाई कहाँ है, अंदर हो जा भाई तेरी। ओ भाई एक टाइम पे ये भी मेरी ड्रीम बाइक थी, बट 390 तो बाप है इसका। ये डुकासुरी है, वो डुकासुर है। हेलो व्यूअर्स, यार कैसे हो? फाइनली तो यार फिर से आपका स्वागत है नए से मस्त व्लॉग में। यार सारी की सारी बाइक यहाँ पे कोल्ड स्टार्ट हो रही है और हम यही रुके हुए थे कल रात नीति से आके जोशीमठ में, तो फाइनली यहाँ से चलते हैं। हार्दिक भाई निकल चुके हैं, अब उत्तम भाई निकलते हैं और फिर गाइज मैं। तो गाइज हम ब्रेकफास्ट कहीं आगे करने वाले हैं, हमारे साथ RR 310 और Duke 250 है। जोशीमठ को बोलते हैं टाटा बाय बाय, और सामने हमारे हाथी पर्वत है। गाइज फिर से हमारी हाइपर राइड शुरू हो जाएगी यहाँ से। गाइस ये वाला रूट चला जाता है ओली के लिए, बट हम ओली नहीं जा रहे हैं क्योंकि भाई को जाना है, हार्दिक भाई को जाना है रूड की। तो अप्रॉक्स 1 बजे तक हम नंदरप्रयाग पहुँचेंगे और लीन करते हुए गाइस निकलते हैं ऐसे हाइपर राइड के साथ। सुबह सुबह टूरिंग के साथ साथ हाइपर राइड भी कर रहे हैं गाइस हम। जैसी रोड मिल रही है हम वैसे बन जा रहे हैं। और सारी की सारी गाड़ियों को ओवरटेक करते हुए निकलते हैं। यार ग्रुप राइड का भी अलग ही मजा हो जब यार इतने मस्त मस्त राइडर हो तुम्हारे साथ और अच्छे अच्छे दोस्त हो, तो भाई राइड का मजा ही अलग है। राइड कर रहे हैं मतलब हमें जल्द से जल्द पहुंचना है क्योंकि भाई इन्हें जाना है आगे, तो हम हाइपर राइड कर रहे हैं, कॉर्निंग वगैरह ले रहे हैं और लीन वगैरह कर रहे हैं। आई थिंक ये कोई मोटो ब्लॉगर नहीं है जो हाइपर राइड करता हो इधर। पुलिस वालों का रिएक्शन देख रहे हो, भगाते हो भाई उत्तम भाई पे। सारे के सारे कॉर्नर आ रहे हैं भाई एकदम जहर, पैनिक ब्रेकिंग करनी पड़ रही है। अचानक से गड्ढे वड्ढे भी आ रहे हैं, कोई भी सामने से आ रहा है तो गाइस चाय पराठे मैगी। तो गाइस यहाँ पे बाइक लगाते हैं। ओके सो फाइनली गाइस यहाँ से निकलते हैं, नाश्ता वगैरह करके पराठे वगैरह खा कर भाई मजा आ चुका है। नाश्ता हमारा 12 बजे हो रहा है और 12 बजे अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। और जो गाइस कॉर्नर पर लीन करने का मजा है वो नेक्स्ट लेवल ही है, और नई रोड का गाइस नया एक्सपीरियंस रहता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है राइड के बारे में। और एक ही रोड पर डेली जाते रहो तो वो मज़ा नहीं आता है, बट गाइस फुल सेफ्टी के साथ और पैनिक ब्रेकिंग के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, गाने सुनते हुए और लीन करते हुए गाइस, बट सेफ्टी के साथ गाइस, ऑलवेज सेफ्टी। और ये लीन करते हुए फिर से तेरी, बट गियर चेंज कर दिया ना गाइस पांव टूट जाएगा तुम्हारा, तो भाई कभी भी ये मत करना, जिस गियर में गाड़ी है फर्स्ट सेकंड में उसी में खींच लेना। और ये फिर से कॉर्नर लेते हुए तेरी, ओ भाई ये वाला तकड़ा था गाइस। यहाँ पे फिर से लीन करते हुए और हॉर्न भी देते हुए गाइस, दोनों काम एक साथ मिल दिया, ऑफ रोड मिल रही है तो हम टूरर बन जा रहे हैं, और हमें अच्छी रोड मिल रही है तो हम भाई राइडर बन जा रहे हैं। बस एक बात याद रखना, कॉर्नर पर गियर चेंज मत कर देना क्योंकि भाई फुट रेस्ट ना ऑलमोस्ट रोड पे लगने से थोड़े से ऊपर रहते हैं, और गियर चेंज किया तो भाई पांव तुम्हारा जा सकता है, पांव टूट सकता है गाइस रियलिटी में सच में मस्त। और सामने के खेत देख रहे हो गाइस क्या हरे हरे भाई नजारे, भाई जहर नजारे हैं गाइस। और आज हम 250 की पावर चेक करने वाले हैं गाइस कैसी है, क्योंकि पहली ड्रीम बाइक गाइस मेरी यही थी। रिएक्शन बहुत तकड़ा आ रहा है गाइस 390 की साउंड में, तकड़ा ही मजा आता है गाइस। और रोड ऐसी हो गाइस सांप बन गई है यहाँ पे, उत्तराखंड पुलिस को ओवरटेक करते हुए और ये 310 ओवरटेक करते हुए यहाँ, और आगे से टाटा सोमो आते हुए उल्टी साइड आते हुए गाइस। गाइस मजा आ गया साउंड सुन के,
उत्तम भाई निकल चुके हैं आगे और अब हार्दिक भाई की बारी है और फिर गाइस उसके बाद मैं करूंगा ओवरटेक। और रिएक्शन देख रहे हो लड़कियों के रिएक्शन गाइस। हेलो, मैं जोशीमठ से निकल गया, चमोली पहुंचने वाला हूं थोड़ी देर में। तो यार अब हमारे लिए ये मस्त चीज है, सीधा सीधा स्वाइप अप करो और कॉल उठा लो गाइस। अगर हम TFT से कनेक्ट करके रखते तो गाइस हम यहाँ से पिकअप कर सकते थे कॉल, बट हमने TFT कनेक्ट नहीं किया है। पिपल कोटी में गाइस आपका हार्दिक स्वागत है। तो पिपल कोटी गाइस हम पहुंच चुके हैं, हाइपर राइड करते हैं। देख रहे हो जोशीमठ से भाई इतनी जल्दी इतनी पेल रखी है ना, मतलब क्या ही बताएं। अगर गाइस कोई जैसम भगा रहा है ना गाइस 80-90, अगर कोई हमसे पूछे रोड लिमिट क्या है और हम बोलने लग जाए ना, तो भाई सच में वो बोलेगा तुम भी मारोगे और दूसरे को भी मारोगे। बट हम गाइस ऐसे राइडर नहीं है, खुद की सेफ्टी से ज़्यादा दूसरे की सेफ्टी ज़्यादा है हमारे लिए। जितनी हमारी लिमिट में हम उतना ही थ्रॉटल अप कर रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं गाइस। और सब चीज़ गाइस लिमिट से, लिमिट में ही ठीक रहती है। लिमिट से बाहर गाइस हर चीज़ बेकार है। ओ भाई कहाँ है, अंदर हो जा भाई, बाहर मत खड़े रह चूतिया। टर्न कॉर्नर पे कोई आकर ठोक ठोक के चला जाएगा। फाइनली गाइज हम आ चुके हैं 250 पे भाई। एक बार हमारे पास भी यही आने वाली थी और कोविड नहीं आता तो आज हमारे पास भी यही होती गाइज 250। एक टाइम पे ये भी मेरी ड्रीम बाइक थी गाइज। पावर ठीक है गाइज, पावर बढ़िया है, बट 390 तो बाप है इसका। ये छोटा भाई वो बड़ा भाई, ये डुकासुरी है वो डुकासुर है। तो गाइस यार पावर बहुत बढ़िया है यार, मतलब जैसे 390 जर्क वगैरह लेती है भाई, वो सीन नहीं है गाइस। इसमें ट्रैफिक के लिए बहुत मस्त है गाइस, इतने में ही पता चल गया गाइस, मतलब पावर ना 390 तो है ही। अब थोड़ा सा पेल के देखेंगे, ऑफ रोड में मुझे ठीक दे रही है। जैसे 390 तो भाई 390 है, 390 की तो क्या बात कर सकते हैं, जिन्हें पता होगा वही समझ सकते हैं 390 वाले क्या होता है उसका ट्रैफिक में सीन। बट गाइस एक टाइम पे ना मेरे पास यही बाइक आने वाली थी, अगर कोविड नहीं आता और मैं 2 महीने नहीं रुकता तो गाइस पहले मैं 200 की सोचता था ड्यूक की। फिर मैं गाइस आया 250 ड्यूक पे, फिर और माइंड चेंज और बदला, फिर हमारे पास आ चुकी है भाई बीस्ट। और इसमें ना गाइस तुम्हें माइलेज भी बढ़िया मिलेगा, बस इसमें TFT नहीं मिलेगी भाई, वरना हेडलाइट वगैरह सब सेम मिलेगी। बढ़िया गाइस सच में पावर बहुत मस्त है, मतलब लीन वगैरह भी बढ़िया हो रही है। इसमें भी वही टायर है MRF वाले, और अभी ना गाइस इसे 2 महीने ही हो रहे हैं। बस साउंड नहीं है गाइस, कहाँ बैठोगे अंकल, जगह नहीं है इसमें। थोड़ा बहुत ही फर्क है गाइस, 122-128 कितनी गई है। 390 तो 390 है गाइस, उससे तुम इसे कंपेयर नहीं कर सकते हो। बट हाँ अगर तुम्हें थोड़ा सा बजट कम है तो भाई बहुत मस्त बाइक है, बट मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम ले लो भाई, मुझे बहुत मस्त लगी है गाइस। मैं तुम्हें नहीं कहूँगा, वो तुम्हारी पसंद है, तुम्हें जो पसंद आती है, बट मुझे पसंद आ गई है गाइस ये गाड़ी 250 में, बहुत बढ़िया बाइक है, पावर भी सब कुछ गाइस, फुल थ्रॉटल गाइस, ब्रेकिंग भी बढ़िया है। बस मुझे ना छोटी सी लग रही है गाइस ये काफ़ी, और लीन वगैरह भी तगड़ी हो रही है। और देख रहा हूँ वो कहाँ पहुँच रखे भाई 390 लेके, दिख भी नहीं रहे। बट गाइस जो हमारी किस्मत में थी, हमारी किस्मत में थी गाइस डुकासुर, तो हमारी किस्मत में वो आती, वो आ गई है।
मस्त बाइक है गाइस, सच में सीरियसली यार मेरे इस पे ना दिल आ गया भाई। 390 तो गाइस कभी कभी निकालो डेली यूज के लिए, बहुत बढ़िया गाइस। 250 अगर तुम डेली यूज करते हो ना, बहुत बढ़िया, और माइलेज भी तुम्हें गाइस ठीक ही मिलेगा, अप्रॉक्स 30 के आसपास मिल जाएगा। तो यार इस वीडियो में हमने तुम्हें 250 का भी नॉलेज दे दिया, और भाई डुअल चैनल भी है, सब कुछ मिलेगा। ओ तेरी 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 भाई, घोड़ा कर अलग ही भाग रहा है भाई। बे तेरी तेरी भाई, क्या कर रहा है ये घोड़े भाई गंदा ही सीन हो गया था गाइस अभी तो। 390 की तो भाई घोड़े ने तो बिदकना था ही। यार मुझे ना मिरर की आदत पड़ी हुई है, पागल कहीं का बिना इंडिकेटर के चूतिया है क्या भाई? ऐसे चूतिया पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहे हैं सीधा भाई, ना इंडिकेटर ना कुछ। मेरी धड़कन तो ये रुक गई थी भाई सच में गाइस। और एक तो इसमें ना मिरर नहीं है गाइस, थोड़ी सी मुझे मिरर की आदत है। बाइक बहुत बढ़िया, ब्रेकिंग बहुत बढ़िया है, और ड्यूक पर हमारी कटिंग बहुत बढ़िया है गाइस, कंट्रोल बहुत बढ़िया है गाइस ड्यूक पर हमारा। तो कुछ इंडिकेटर वगैरह कुछ भी नहीं ना भाई, उसने देखा कि कोई पीछे से आ रहा है सीधा घुमा दी। गोप्रो में तो गाइस काफ़ी दूर दिखेगा, बट वो भाई ज़्यादा दूर नहीं था गाइस, बहुत ही पास था मेरे वो। अगर मैं कट नहीं लेता ना गाइस तो थक गया था आज मैं उस पर। वो कैसा आया वहाँ, बच गया भयंकर। देख रहे हो गाइस पूरे पांव पहुँच रहा है, सीट हाइट बहुत बढ़िया यार ड्यूक 250 की। जो भी बोलो भाई, जो 390 गाइस जर्क मारती है ना, तो गाइस यार जो 390 झटका मारती है ना वो क्या ही बताएं। बट इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है, 390 की बहुत ज़्यादा पावर होने के बाद ना भाई वो झटका मारती है, इसमें कोई झटका नहीं है, गियर डालते टाइम एकदम स्मूथ चल रही है। तो गाइस यार यहाँ पे सारे के सारे भाई फ्यूल अप कराते हैं, और देन फिर अभी हम सोनला में, और मैं फिर नैनीताल के लिए निकलूँगा, और ये सारे के सारे भाई लोग आगे के लिए निकलेंगे। ठीक है, मिलेंगे जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट राइड पे जल्दी, प्लान करेंगे जल्दी। ठीक है ठीक। तो यार भाई लोग निकल गए हैं और हम चलते हैं अपने घर के लिए, और यहाँ फाइनली गाइस यार उत्तम भाई के साथ और हार्दिक भाई के साथ बहुत मजा आया। वैसे हम संडे राइड पे मिलते हैं तो, बट आजकल हमारा प्लान इस राइड का बना था, इधर का पहाड़ों पे आने का। तो हम आ चुके हैं और मैं चलता हूँ अपने घर के लिए, और मजा आया होगा तो गाइस यार प्यार दिखाना, और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय बाय, और ये हमारा प्यारा सा नंदप्रयाग। तो गाइस अब चलते हैं और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट व्लॉग में। बी सेफ राइड आउट गाइस, और टेक केयर, और तब तक के लिए बाय बाय गाइस।